तो दोस्तों क्लिक कर लीजिए सब्सक्राइब बटन पर ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको पता चलता रहे हमने नई वीडियो डाल दी है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। ठंड का मौसम है और हमारी गाड़ी की बैटरी खत्म हो चुकी है क्योंकि कल हमने इसकी लाइट ऑन छोड़ दी थी। तो अब गाड़ी को कैसे स्टार्ट करें? अगर आपके पास दूसरी गाड़ी नहीं है तो आप जंप स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी गाड़ी को। दूसरी गाड़ी होती तो आप उससे जंप स्टार्ट कर सकते थे। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। ये हमारी एस क्रॉस है और हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये देखिए डेड बैटरी हमारी एस क्रॉस की और हमने इसे जोड़ा है इन्वर्टर बैटरी से। पॉजिटिव टर्मिनल रेड, नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक। ये हमारी नेगेटिव टर्मिनल से हमने ब्लैक को जोड़ दिया और हम पॉजिटिव टर्मिनल से रेड को जोड़ेंगे और आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारी कार स्टार्ट हो चुकी है हमारे इन्वर्टर की बैटरी से। तो आप अगर आपके पास दो कार नहीं है और जंप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे बिना दो कार के, तो आप इन्वर्टर की बैटरी को भी यूज कर सकते हैं अपनी कार को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये एक सिंपल फिजिक्स की बात है। हमारी इन्वर्टर की बैटरी भी 12 वोल्ट की होती है और हमारी कार की बैटरी भी 12 वोल्ट की होती है। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये होता है करंट का, एम्पियर्स का। और आपने हमेशा सुना होगा कि वोल्टेज ज्यादा आ गया और हमारा फ्रिज जल गया। कभी ये सुना है करंट ज्यादा आ गया और फ्रिज जल गया? क्योंकि जो करंट की ड्रॉइंग पावर है वो आपकी अप्लायंस पे डिपेंड करती है। वोल्टेज जो है वो पहले से होता है, जैसे हमारी 12 वोल्ट की बैटरी तो वोल्टेज 12 है, लेकिन करंट डिपेंड करेगा हमारे अप्लायंस पे। जैसे अभी गाड़ी है, गाड़ी को जितना करंट चाहिएगा वो उतना ही करंट लेगी हमारी इन्वर्टर वाली बैटरी से। तो हम इन्वर्टर वाली बैटरी से भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं ठंड में या गर्मी में, जब भी हम चाहें। ठंड में ज़्यादा रुकती है गाड़ी इसलिए।